डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग 12th क्लास के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं, अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इस ऑर्गेनिक चैप्टर केमिस्ट्री में एमीन के चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और एमीन भी हम लोग पढ़े हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और जैसा कि जानते हैं, हम लोग 1 डिग्री के IUPAC नाम को भी हम लोग पढ़े, 2 डिग्री, 3 डिग्री के IUPAC नाम को अभी हम लोग पढ़े। यानी कि जो एमीन के प्रकार होते हैं, अलग अलग एमीन का अलग अलग IUPAC नाम लिखने के लिए तरीका होता है उनका। तो 1 डिग्री IUPAC नाम के लिए हम लोगों ने सीखा है, 2 डिग्री और 3 डिग्री IUPAC के नाम के लिए भी हम लोग ने सीखा है कि कैसे लिखते हैं। चलिए अब हम लोग टॉपिक्स लिखते हैं। मेथिल एमीन, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ओनली मेथिल एमीन के बारे में। इसका अगर फार्मूला कोई पूछे तो CH3 के साथ NH2, ठीक है। याद रखिएगा, मेथिल एमीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह एक यौगिक है, तो इस यौगिक मेथिल एमीन के यौगिक के बारे में हम लोग सीखेंगे कि आखिर इसका निर्माण कैसे होता है, ये कैसे बनता है, वही मतलब निर्माण कैसे होता है। और दूसरा, इसका गुण क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका अभिक्रिया क्या होता है ना। तो लिखा जाए, सबसे पहला पॉइंट्स निर्माण, ठीक है। यानी किसका निर्माण, तो मेथिल एमीन का निर्माण। अब मेथिल एमीन का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मेथिल एमीन का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो दो प्रकार से होता है। नंबर ए, ए में लिखेंगे हम लोग, जब हेलोमिथेन को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो ध्यान रहे अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मेथिल एमीन का निर्माण होता है। चलिए इसके लिए पहले हम लोग रूल्स देख लेंगे, जो हम लोग अभी लिखे हैं उसके लिए जो रूल्स आया वो क्या आया कि कोई भी हेलोमेथेन का मतलब होता है CH3 के साथ X जुड़ा हुआ रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोमेथेन। क्या बोलते हैं इसको, हेलोमेथेन। CH3 के साथ X जुड़ा रहेगा, हेलोमेथेन के साथ किसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग, अमोनिया के साथ। और अमोनिया का फार्मूला NH3, ये हुआ अमोनिया, ये हुआ हेलोमेथेन। हेलोमेथेन को अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को क्या क्या बनेगा, तो मेथिल एमीन का फार्मूला CH3NH2 और HX हमेशा बाहर हो जाएगा। एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन। इस हेलोजन की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एन्स्टेटाइन हम रख सकते हैं। जरा इसका एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लिया कि क्लोरोमेथेन है CH3Cl, ठीक है। इसके साथ अगर अमोनिया को हम लोग करेंगे तब पर भी हम लोगों को क्या बनेगा, मेथिल एमीन ही बनेगा। मेथिल एमीन कैसे, तो CH3NH2, ये हो गया हम लोगों का मेथिल एमीन। यानी हमेशा बनेगा मेथिल एमीन ही बनेगा, लेकिन बाकी बाहर क्या होगा, तो H और Cl, यानी कि HCl, ठीक है। तो इस तरीके से मेथिल एमीन और HCl हम लोगों को बाहर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 का अगर बात करें, 2 में, तो CH3Br, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमोमेथेन। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमोमेथेन के साथ अगर अमोनिया को बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसको आप कंप्लीट कर दीजिएगा, यहाँ पे भी बनेगा CH3NH2, यानी कि मेथिल एमीन। लेकिन जो बात बाकी बाहर होगा वो HBr बाहर होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। अगर हम लोग आयोडीन के साथ, क्योंकि
एक्स की जगह फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, आयोडीन के साथ करेंगे जिसको आयोडोमेथेन बोल सकते हैं। अगर इसको अमोनिया के साथ कराएंगे तो आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा क्या बनेगा रिएक्शन, ठीक है। तो निर्माण हम लोग पहला मेथिलामिन का निर्माण कैसे होता है, जब हेलोमेथेन को अमोनिया के साथ कराया जाता है। अब निर्माण का बी नंबर लिखिए कैसे होता है, जब हाइड्रोजन साइनाइड, इसका फार्मूला होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। जब हाइड्रोजन साइनाइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मेथिल एमीन का निर्माण होता है, मेथिल एमीन का निर्माण होता है। चलिए, तो हाइड्रोजन साइनाइड को, तो इसका हम लोग रिएक्शन क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन साइनाइड बोला गया, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोजन हमेशा टू के फॉर्म में होता है, क्या बनाना है, मेथिलेमिन CH3NH2। ये हम लोगों को मेथिलेमिन बनता है कब, जब हाइड्रोजन साइनाइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एक गो हुआ और दो तीन गो, और यहाँ हुआ तीन और दो पांच हाइड्रोजन, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग टू से मल्टीपल कर दिए, तो टू टू जा फोर हाइड्रोजन और एक फाइव हाइड्रोजन, ए सी एक ठो और एन एक ठो। इस तरीके से ये हो गया हाइड्रोजन साइनाइड, लिख दीजिएगा, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हम लोगों का मेथिल एमिन। तो इस तरीके से हम लोगों का रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि मेथिल एमिन का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि मेथिल एमिन का क्या गुण है। तो दूसरा नंबर में गुण, ठीक है, गुण में लिखा जाए, मेथिल एमिन के निम्नलिखित गुण हैं। पहला पहला मेथिल एमीन कॉमा एथिल एमीन गुण में क्या लिखें कि मेथिल एमीन के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर वन में लिखेंगे हम लोग मेथिल एमीन कॉमा एथिल एमीन गैस अवस्था में पाए जाते हैं जबकि अन्य अन्य द्रव अवस्था में पाए जाते हैं जबकि अन्य द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जी हाँ, गुण में हम लोग क्या लिखें कि पहला गुण हम लोग लिखें कि मेथिल एमिन, जानते हैं ना एमिन के ये आयुपेशी नाम में हम लोग पढ़े हैं, मेथिल एमिन हो सकता है, एथिल एमिन, प्रोपिल एमिन, कुछ भी। तो मेथिल एमिन और एथिल एमिन जो है ये दोनों गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि दोस्तों बाकी के जो एमिन हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, क्लियर। अब चलिए इसका दूसरा पॉइंट लिखा जाए, दूसरा गुण, इसे अधिक दिनों तक छोड़ देने पर यह काला हो जाता है, इसे अधिक दिनों तक छोड़ देने पर यह काला हो जाता है। याद रखिएगा कि एमीन का गुण है कि अगर इस मेथिल एमीन को ज़्यादा देर तक छोड़ दिया जाए तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, काले रंग का हो जाता है, यानी कि ये वातावरण से रिएक्शन करके अपना रंग को बदल लेता है, काला हो जाता है। याद रखिएगा मेथिल एमीन, सिर्फ मेथिल एमीन है ऐसा करता है, क्योंकि मेथिल एमीन का ही गुण पढ़ रहे हैं। तो मेथिल एमीन का गुण है कि अधिक दिनों तक अगर छोड़ दिया जाए ऐसे ही वह रंग में परिवर्तन कर लेता है, काला हो जाता है। फिर लिखा जाए थर्ड, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है
याद रखिएगा, इसमें एक विशेष प्रकार का गंध हो जाता है, गंध पाया जाता है मेथिलामिन के, ताकि उसको गंध से भी पहचाना जा सकता है कि आखिर ये मेथिलामिन है। ठीक है, फिर लिखा जाए चौथा में, यानी कि गुण का चौथा पॉइंट, क्वथनांकों के आधार पर, क्वथनांकों के आधार पर प्राइमरी एमिन का क्वथनांक, प्राइमरी एमिन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। प्राइमरी एमिन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, अर्थात उसके नीचे लिखिएगा अर्थात 1 डिग्री एमिन सबसे बड़ा होगा 2 डिग्री एमिन, तब बड़ा होगा 3 डिग्री एमिन। यानी याद रखिएगा, इसमें हम वो लिखे हैं कि क्वथनांकों के आधार पर किस एमिन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो 1 डिग्री को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शियरी। तो याद रखिएगा तीनों में कि हम लोग किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो इसमें हम लोग 1 डिग्री एमिन का जो क्वथनांक है वो सबसे ज़्यादा होता है, तब 2 डिग्री का, तब 3 डिग्री का। याद रखिएगा ये चौथा गुण है कि क्वथनांकों के आधार पर प्राइमरी एमिन का जो क्वथनांक है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से गुण हम लोगों का ख़त्म हो गया। अब इसी गुण के आधार पर कुछ हम लोग को क्वेश्चन भी करना है और साथ साथ इस मेथिल एमिन का अभिक्रिया भी देखना है। तो दोस्तों, इस मेथिल एमिन के अभिक्रिया के बारे में हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।